मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र धार जिले के पीथमपुर में प्लाई से खिड़की दरवाजे बनाने वाली कंपनी रेवा प्लाईवुड लिमिटेड से बीती रात 2 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। काफ़ी दूर से ही आग की लपटें उठती देख लोग भयभीत हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 9 फायर ब्रिगेड वाहन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमखल कर्मी और अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे, जिसमें 9 दमखल गाड़ियां इंदौर से बुलाई गई और आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन करोड़ों रुपये की हानि होने की आशंका जताई जा रही है। खास बात तो यह रही कि इसमें कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई। आग बुझाने की मशक्कत जारी है। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। फायर की कितनी गाड़ियां लगी होगी? फायर की तो 6 गाड़ी इंदौर की, पीथमपुर की और 3 गाड़ी इंदौर की। लगभग कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया गया? ये 6-7 घंटे हो गए अभी समय तक। इस समय तक 8 घंटे हो गए। अच्छा, किस कंपनी में लगी हैं ये रेवा इंस्टीट्यूट? आपका नाम और पद बता दीजिए। राम सिंह कुमार, एसपी फायर जी। बताएं ये आग कितनी बजे लगी और कहां का मामला? 12 बजे से सूचना दी उसके बाद सूचना दे दी इंदौर में, कहीं इंदौर से दे दी और कल पूछिए यहाँ भूजिया समय। फायर की कितनी गाड़ियां लगी होगी? फायर की तो 6 गाड़ी इंदौर की, पीथमपुर की और 3 गाड़ी इंदौर। लगभग कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया गया? 6-7 घंटे हो गए अभी समय तक 8 घंटे हो गए। अच्छा, किस कंपनी में लगी हैं आप? आपका नाम और पद बता दीजिए। राम सिंह अग्रवाल, एसपी फायर इंदौर। जी बताएं किस कंपनी का मामला है और कितनी बजे आग लगी और कितने का नुकसान हुआ होगा? ये रेवा इंडस्ट्रीज है जी, इसके पार्टनर है अनिल पटेल जी और राजेश पटेल जी और जनता बेन जी। तो ये जो आग यहाँ बता रहे लेबर क्लास के बोले करीबन 12 बजे बाद क्या होगा नहीं लगा हुआ, 12 बजे बाद हुई होगी तो मतलब 2 बजे पेड को मालूम पड़ा इन लोगों ने। ये लोग 2 बजे जागे और जब तक तो आग बहुत फैल चुकी थी। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? अब हमारे अंदाज से तो करीबन 7-8 करोड़ का होगा। क्या कारण हो सकते हैं आग लगने के? आग लगने का तो कारण तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्लांट की प्रेस भी बंद थी, क्योंकि लेबर है नहीं, लेबर सब ज़्यादातर गांव चली गई है। यूपी बिहार की लेबर थी तो लोकल लेबर कुछ 15-20 लेबर होगी यहाँ पे, वो छोटा मोटा काम करती थी दिन में और रात को सो जाते थे वो। आपका नाम? मेरा नरसी पटेल। रेवा इंडस्ट्रीज प्लाई फ्लड डोर की फैक्ट्री है, उसमें रात 2 बजे हमको मुनिम द्वारा जानकारी मिली तो हमने आते से इधर सब दमकल अधिकारी खबर करी फायर ब्रिगेड वाले को, और फिर सेंटर में जलते जलते एकदम से पूरे आखिरी तक जल गई द्वारा कंपनी और मशीनरी का करीब 8-10 करोड़ का नुकसान हुआ है। और शाम को 2 बजे से 2:15 बजे से दमकल विभाग वाले 9 गाड़ियां लगी हुई है इंदौर की और पीथमपुर की, वो बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी चालू है पीछे सब प्लांट का पूरे बुझाने का, और पूरा प्लांट जल गया पूरा। आपका नाम सर और पद? हिम्मत पटेल। आपका पद इस कंपनी में? आपका तो पार्टनर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।